खबर बालोद से है, जहां पर दल्ली रजहरा में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का आगमन बालोद जिला के दल्ली रजहरा में हुआ, जहां भाजपा युवा मोर्चा दल्ली रजहरा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने स्वागत के बाद भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों के विषयों पर चर्चा किया। इसके बाद रजहरा मार्शल आर्ट्स क्लब के श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति डोंडी लोहारा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी देवलाल ठाकुर से विधानसभा चुनाव में भाजपा युवा मोर्चा की भूमिका के विषय पर चर्चा किया। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि भूपेश सरकार के झूठे वादे, गलत नीति, भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता काफी निराश है, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत भाजपा सरकार को मिलेगी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। आज तो ऐसे एक विशेष युवा मोर्चा के आग्रह पर दुर्गा पंडाल के कार्यक्रम में आना हुआ है और आप सब जानते हैं चुनावी समय है, उसकी एक योजना रणनीति बनेगी। अभी युवा मोर्चा की टीम के साथ बैठेंगे, कुछ चर्चाएं भी हुई है और कैसे इस विधानसभा को जीतते हुए छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, इसमें युवा मोर्चा की क्या भूमिका रहे, इस पर हम सब चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि 365 दिन काम करने वाली है और हमने लंबे समय तक काम किया है, सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार के विषय को उठाया है, परिवर्तन यात्रा में एक गजब का उत्साह पूरे प्रदेश में दिखा है, पूरे प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त है और जिसका परिणाम आपको सरकार बनते हुए दिखेगा। पर दीपक भाई, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि पिछले बार से ज़्यादा सीट लेकर हम यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। देखिए, खाली पुलाव खाना उनका अपना का काम है, उस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अभी तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है और परिवर्तन चाहती है, उसका एक परिणाम आपको दिखेगा कि सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी एक हमारे कार्यकर्ता का हत्या हुआ है राजनांदगांव में, ये यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सब ऐसे मामले हैं कि लोग सरकार से त्रस्त हैं और परिवर्तन चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र कैसा लगा? देखिए, घोषणा पत्र कुछ दिन में आप सबके बीच में आएगा, जनहितैषी घोषणा पत्र रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मतदाता को लुभाने के लिए कोई घोषणा पत्र नहीं बनाती, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जन कल्याण पर प्राथमिकता रहता है। जितने भी घोषणा पत्र में विषय आएगा, निश्चित ही आप 15 साल में देखे हैं, 15 साल में हर विषयों को लेकर हमने काम किया है और आने वाले समय में भी हम एक अच्छे छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र रहेगा। दल्ली रजहरा से दिनेश कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।